आधीच राज्यात उशिरा एंट्री केलेल्या पावसाने शेतकऱ्याची बरीच कामे खोळंबली असतानाच विदर्भातील काही जिल्ह्यात अद्याप पुरेसा पाऊस न पडल्याने शेतकऱ्याच्या चिंतेत वाढ झाली आहे। 6 जून ते 7 जुलै दरम्यान विदर्भात अनुमानाच्या सरासरी पावसापेक्षा 33% कमी पाऊस झाल्याची नोंद झाली आहे। आगामी काळात कसा असेल पावसाचा अंदाज या विषयाची अधिक माहिती जाणून घेऊया या व्हिडिओच्या माध्यमातून। विदर्भ में अभी जो है मिला जुला बारिश हुआ है। भंडारा, गोंदिया और नागपुर जिले में सामान्य बारिश है, लेकिन बाकी के जिले में अभी बारिश में कमी है, डिफिशियंट है। ओवरऑल अगर विदर्भ का लेंगे तो अभी 1 जून से अभी तक जो बारिश हुई है लगभग 225 मिलीमीटर हो चुकी है, -33% है। तो ओवरऑल विदर्भ में थोड़ा बारिश में अभी कमी है, लेकिन बारिश अभी जो है चल रही है और धीरे धीरे जो है स्थिति सुधर रही है, क्योंकि अब जून में बारिश कम हुई थी इसलिए डिफिशियंट ज़्यादा है। अभी अगले 4-5 दिन जो है लाइट टू मॉडरेट रेन होगा कुछ स्थानों पे। अभी बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी कोई तगड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में अभी नहीं बना है। तो मानसून के जो नॉर्मल पैटर्न है उसके कारण थोड़ा लाइट टू मॉडरेट रेन ही होगा। अभी अल्नीनो तो अभी हुआ नहीं है, अल्नीनो अगले महीने होगा, तो अभी अल्नीनो का इम्पैक्ट हम नहीं बोल सकते। विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, खालोखाल नागपूर वगळता इतर सर्व जिल्ह्यात दमदार पावसाची आवश्यकता असून आगामी काळात वातावरणात काय बदल होतो हे पाहणे उत्सुकतेचं ठरणार आहे। विशाल देवकर, न्यूज 18 लोकमत, नागपूर।